कर्म बड़ा या भाग्य? यह प्रश्न प्राचीन काल से ही एक उलझन बना हुआ है। संसार में कर्म को मानने वाले व्यक्ति कहते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता, तो कुछ भाग्यवादी व्यक्ति कहते हैं कि भाग्य में जो कुछ भी लिखा है वह निश्चित है। मनुष्य कर्म और भाग्य इन दोनों बिंदुओं को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। कर्म और भाग्य के इस प्रतिद्वंद का सत्य व सटीक उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट किया गया है, जिससे आज हम आपको परिचित कराएंगे। भाग्य व कर्म को स्पष्टता से समझने के लिए पुराणों में एक कथा का उल्लेख मिलता है। वह कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक संत हुआ करते थे, उनका नाम ज्ञानेश्वर था। उनके दो शिष्य थे, कर्मेश्वर और भागेश्वर। एक दिन कर्मेश्वर और भागेश्वर के बीच बहुत बड़ी बहस हो गई कि कर्म बड़ा है या भाग्य। कर्मेश्वर कर्म को बड़ा मानता था, परंतु भागेश्वर भाग्य को बड़ा मानता था। उन दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि उन्हें जाकर अपने गुरु ज्ञानेश्वर से इसका उत्तर मांगना पड़ा। उनके गुरु ज्ञानेश्वर ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें इसका उत्तर अवश्य दूंगा, प्रातःकाल तुम दोनों मुझे मेरी कुटिया के आगे मिलना। ऐसा कहकर ज्ञानेश्वर ध्यान लगाने चले गए। अगले दिन कर्मेश्वर और भागेश्वर गुरुजी की कुटिया के आगे खड़े हो गए। जब उनके गुरुजी अपनी कुटिया से बाहर आए, तब उन्होंने अपने शिष्यों को एक बहुत गहरे अंधेरे वाली कुटिया में बंद कर दिया। उस कुटिया में रोशनी की एक भी किरण नहीं थी। कुछ समय बीतने के पश्चात कर्मेश्वर और भागेश्वर को भूख प्यास लगने लगी। भागेश्वर ने सोचा, जो मेरे प्रारब्ध यानी जो मेरे भाग्य में लिखा है वह निश्चित है, उसमें मैं परिवर्तन नहीं कर सकता, इससे अच्छा मैं राम नाम ही जपता हूँ। ऐसा सोचकर भागेश्वर ने राम नाम लेना आरंभ कर दिया, किंतु कर्मेश्वर को यह कदापि स्वीकार नहीं था। उसने सोचा, मुझे कर्म करना पड़ेगा, अन्यथा मैं भूखा मर जाऊंगा। तो वह खड़े होकर उस अंधेरी कुटिया में खाने पीने की वस्तु खोजने लगा। कभी उसका सिर किसी वस्तु से टकरा जाता, तो कभी उसके पैर में चोट लग जाती, किंतु वह ना तो थका और ना ही उसने हार मानी। बहुत प्रयत्न करने के पश्चात उसे एक मटका मिला। जब उसने मटके के अंदर हाथ डाला, तो मटके में उसे चने मिले। कर्मेश्वर चनों को पाकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। फिर वह वहां बैठकर उन चनों को खाने लगा। चने खाते खाते कभी कभी उसके मुंह में कुछ कंकड़ आ जाते, तो वह उन कंकड़ों को भागेश्वर को दे दिया करता था। अगली सुबह जब उनके गुरुजी ज्ञानेश्वर ने कुटिया का द्वार खोला, तो देखा कि कर्मेश्वर का तो पेट भरा हुआ था, परंतु भागेश्वर भूखा था। कुटिया का द्वार खुलने के कारण जब कुटिया में रोशनी हुई, तब कर्मेश्वर आश्चर्यचकित रह गया। कर्मेश्वर भागेश्वर को जो कंकड़ समझ कर दे रहा था, वह कंकड़ नहीं किंतु हीरे थे। इस कथा का अर्थ व निष्कर्ष हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य।